हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, नेक्स्ट डे और सुबह का टाइम हो चुका है और उन लोगों की हो गई है तैयारी। हेलो बोलो बेटा एंजल। और देखिए, इस नए वाली ड्रेस ही पहनी है जो मैं लेकर आई थी इनके लिए। ये देखिए कितने अच्छे कपड़े लग रहे हैं एंजल के पहनकर। और इसने और उसके बर्थडे में भी शाम के टाइम यही पहने थे। और सार्थक भी तैयार है एकदम। चलिए मिलवाते हैं। ये देखिए, ये आ गए हैं भाई साहब। हेलो बोल दो भाई। हेलो, हम अपने घर जा रहे हैं, बोल दो। हम अपने घर। कब आओगे आप? 10 दिन। 10 दिन बाद बोल रहा है। 10 दिन बाद का इसने प्रॉमिस किया है। और खाना वाना इन्होंने खा लिया है। आलू की सब्जी बनाई है इनकी फेवरेट, और दही हलवा और रोटी सिंपल सी, क्योंकि कई दिन से पूरियां खा रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर देखिए, भाभी जी को आते ही लगा दिया काम पर खाना बनाने की। मैंने सोचा इनकी पैकिंग करवा देती हूँ दीदी की, तब तक ये रोटियां सेक लेगी, क्योंकि 2-3 घंटे का सफर है इनका, तो भूख भी लग जाती है बच्चों की। और हम लोगों ने इनका पैक भी कर दिया है ताकि ये अपने पापा को बीच में परेशान ना करे, गाड़ी ना रुकवाए। तो देखिए, खाना बना लेगी ये, इतना रोटियां सेक देगी। हेलो को बोल दो। हेलो पेरेंट्स। ये देखिए, यहाँ पर लाइट नहीं है। इस वाले रूम की लाइट जो हमने बाहर लगाई थी रात, वो तेज लाइट जलती है, तो थोड़ा सा अंधेरा है। चलिए अपने मोटू से मिलवा देते हैं, आज तो चला जाओ ये हमारा मोटू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक हो गए। अभी तो अब टाइम तो कुछ नहीं पता, अभी 10 दिन बाद कह रहा है साल तक। हाँ, वो तो 10 दिन इसके यहाँ पूरे नहीं हुए, 10 दिन बाद फिर कह रहा है। और कह रहा 10 दिन रहूंगा, 10 दिन बाद आऊंगा तो 10 दिन रहूंगा। देखिए, तो इनकी तैयारी हो चुकी है, तैयार है ये, खाना वाना सब कुछ खा लिया है इन्होंने। तो चलिए विदा कर देते हैं। मन सा दुख रहा है, सिर में दर्द हो गया है सुबह से। मन तो मेरा भी बहुत दुख रहा है। अभी रहना चाहिए था वैसा, लेकिन तो मजबूरी है, लेकिन ये अपनी ससुराल में अकेली है। इसका भी बहुत दुख रहा है, देखिए। ये कह रहा है आपको छोड़ के जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। श्राद्ध चलेंगे तो सबको भाई पानी वानी देना होता है, अपने जो बड़े होते हैं देवता, पूजा वूजा होती है श्राद्ध में सबके यहाँ पर घर पर। तो सार्थक भी अकेला ही है, और दीदी भी, देवरानी जेठानी तो इनके पास कोई है नहीं, ननंद है एक, खाना तो बना लेगी लेकिन श्राद्ध कैसे, पूजा करेंगे उनकी, तो इसलिए दीदी को करने आए सारे काम। और हमने भी हंसी खुशी से इन्हें बेचने की तैयारी कर दी है। चली जाएंगी, कोई बात नहीं, काम किसी का मन नहीं है दीदी जाने का, काम किसी का नहीं छूटना चाहिए। हम लोगों का यही मानना है, काम किसी का भी नहीं छूटना चाहिए, सबके काम होने चाहिए। और काम मैं कर लूंगी, और जितने काम इनकी रस्में थी वो इन्होंने पूरी करा दी है। होम मतलब पूजा तक इन्होंने करवा दी है हमारी नन्ही परी की। तो चलिए विदा कर देते हैं इन्हें, क्योंकि भाई साहब ने शोर मचा रखा है, धूप हो गई है बहुत ज्यादा तेज, दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, गर्मी तो हो ही रही है अभी भी। जी चक्री, आपका भी दिल दुख रहा कितना? बहुत। दिखाइयो, जल्दी जल्दी से आ जाना आप, ठीक है? और फिर मैं आ जाऊंगी आपके पास मिलने के लिए। आना जरूर। अच्छा जी, जी। जरूर आऊं, ठीक है, जरूर आऊंगी मैं रहने बेटा। के लिए जिस तरह हम आए हैं। अच्छा बेटा, ठीक है, रहने के लिए ही आऊंगी। और सार्थक के भी कपड़े अच्छे लग रहे हैं, और एंजल के भी। और ये रात के बलून है जो ये फुला रहा है बार बार, ये देखिए। ये देखो मेरे पास भी है। इसके पास भी है, ये देखिए। आज ये बच्चे चले जाएंगे, घर भी थोड़ा सा खाली खाली महसूस होगा, लेकिन क्या करे, टाइम बीत जाता है। कैसे चले गए ये 10-15 दिन पता भी नहीं चला। इसके बहुत सारे बलून हैं, अभी तक इसने नाश्ता कर लिया है लेकिन कपड़े वही पहने हुए हैं। अभी तक मुझे इसे नहलाने का टाइम नहीं मिल पाया है, बस दीदी को विदा कर देंगे तब अपने साफ सफाई के, क्लीनिंग के, और बच्चों को नहलाने वहलाने के काम में लगेंगे। और देखिए, सारे कपड़ों के हैंगर ले बैठा है यहाँ पर, ये हैंगर यहीं पर पड़े थे इस कमरे में ही, क्योंकि उन्होंने चेंज किया था यहीं पर। ये देखिए, आज जो है सार्थक की अपने घर चलने की तैयारी हो गई है, और इसके डैडी लेने के लिए आए हैं, और इसकी देखो, इसकी कार आ जाएगी, ये बोल रहा है इसकी कार आ जाएगी। और कल था इसका बर्थडे, तो बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने। अभी जो है डैडी बैग रख के आ रहे हैं इनके, बाद में इन्हें ले जाएंगे, और बस स्टॉप तक पहले बैग रख के आ रहे हैं। सार्थक जो है, सार्थक हाय। और ये देखिए एंजल, 16-17 दिनों के बाद ये अपने घर चल दिए हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छा मन लगाया, खेले कूदे और बच्चों के साथ में एकदम बड़े प्यार से। लेकिन आज जा रहे हैं तो थोड़ा सा
होता है, इमोशंस काबू में नहीं होते हैं और वैसे ही ठीक यहाँ पे भी। और देखो बैलून भी ले लिए हैं उसने, और उसका बैडमिंटन चिड़िया बल्ला वो भी आ गया था। और ये देखिए आरुषि, आरुषि कुछ एक्सचेंज कर रही है, कलर वाला गुब्बारा ले रही है उस पे से और प्लेन गुब्बारा दे रहे हैं। और ये देखिए क्या उठा के लाया है, क्या है आरुषि है। और ये देखिए ये कद्दू, ये कद्दू उठाए फिर रहे हैं दोनों ने, एक एक उठा लिया है। आरुषि आरुषि कई दिनों से जो है एब्सेंट लगा रही है वीडियो में अपनी, तो अभी जो है ये देखो बेटा टूट जाएंगे ये कद्दू, सब्जी बनेगी ना इनकी। और उसकी कार आएगी, वो कार के पीछे पड़ा हुआ है, बोल रहा पापा है पापा जा लिए। कहाँ जा लिए आपके पापा? मोटरसाइकिल पे जा लिए। कहाँ पे गए वो, आप सिर पे क्यों रख रहे थे? ये देखिए ये बिल्कुल इनके खेल अलग ही होते हैं, सबसे अलग जो भी मन करता है। और वो देखो फुटबॉल बना रखी है उसने, अब इसने सब्जी बनाने लायक नहीं छोड़ा उसको। क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया आपने आरुषि, बताइए क्या करा? फोड़ दिया चूल्हा। मम्मी पीट दे, मम्मी पीट दे चूल्हा फोड़ने पे। तो ये देखो क्या कर रही थी, ऊपर माँ चूल्हा करके। हाँ भूत मराई थी, भूत इसका भूत चूल्हे का। हाँ कहाँ बना दिया था भूत चूल्हे का? ओ भाई आज क्या क्रिएटिविटी दिखाने वाले हो आप। और ये देखो इसने जो है ये लकड़ी के गुटके उठा लिए हैं और मॉन्स्टर ट्रक बनाएगा। और एक दिन फायर ट्रक बनाया था इन्हीं का इसने। और देखिए भाई बहन जी आज जल्दी है, और जब ससुराल जाते हैं ऐसे ही करते हैं माई का छोड़ करके। और देखिए पूछ रहा क्या हुआ। हाँ तुझे क्या पता क्या हुआ, तू लड़की थोड़ा ही है। और सार्थक पूछ रहा है क्या हुआ, पता लग जाएगा तुझे लड़की होता तो। चलो और थोड़ा सा आपकी बार जो है लंबा टाइम हो गया था, तो थोड़े से इमोशंस जो हैं वो काबू में नहीं रहते। पैसे कम रहेंगे इसके, पैसे दे दो जो तो रहे पैसे कम रहेंगे। और ये देखिए सार्थक, सार्थक ने जो है अपने खेल खिलौने उठा लिए हैं। क्या क्या लिया भाई आपने? और उसका भी मूड खराब है, नहीं जाना चाह रहा वो भी। तू भी जा रही है, है? ए नहीं तू मत जा, पढ़ाई चल रही, पढ़ाई यहीं कर ली कर रही है मेरा काम। तो फोन पे ही तो चल रही है पढ़ाई, ऑनलाइन यहीं पे कर लियो। हाँ कॉपी तो हम ला देंगे बेटा, कॉपी किताब सब ला देंगे। रुकेगी अभी तो पैक, बैग पैक कर लिए। चलो कपड़े निकाल लेते हैं आपके, और कपड़े ला देंगे ले जाने दो उन्हें। और ये सार्थक, सार्थक तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। जाना तो पड़ेगा है भाई, फिर कब आओगे? और देखिए सार्थक जो है 10 दिन बोल के जा रहे हैं। अब देखो तो भगवान की कृपा है कब आना हो। लेकिन 10 दिन का जो है कमिटमेंट दिया है सार्थक ने, लेकिन आना पड़ेगा भाई। ठीक है हाँ मैं भी आऊंगा बिल्कुल पक्का। और आपने सामान रख लिया अपना? सबको लेके आएंगे, छोटी को भी, गुड्डू दीदी को। अच्छा सबको लेके आएंगे। और कलर वाला ही चाहिए, प्लेन वाला ले लो आप। गाड़ी और चिड़िया बल्ला, बैडमिंटन और गाड़ी उसने रख ली है, बाकी ट्रेन व्रेन है वे सब यहीं छोड़ दी है। ट्रेन नहीं ले जा रहा है सार्थक। और ये आरुषि, ये कलर वाला गुब्बारा बैलून लेने के चक्कर में है लेकिन उसे मिल नहीं रहा। और ये कौन सा है? और ये जो रेड कलर है उसे बोलती है कलर वाला, बाकी सब प्लेन होते हैं इसके लिए। ये इसे फुला दूं? चलो फुला देता हूँ। प्यार कर दे अपने मामा को। आहा मेरे मम्मा है। और उसको मुझे लग रहा है उसको भीड़, मुझे लग रहा है उसको भीड़ हो रही थी। क्या मेरे मम्मा हटो, देखो गुस्सा हो गया, भाग गया वो, भाग गया। कब हुआ होगा फिर?
नो कह रही है अंजल हो जाए जितने दिन हम रह गए इतने दिन रहना आपको भी। ओ भाई हम नहीं ले जान देने के, ओ भाई नहीं हम कैसे रहेंगे इसके बिना, हमें तो नींद भी नहीं आने की। नहीं नहीं भाई ले जाइए ना हमारे भूखों को। अरे नहीं जी कर रहे हैं बाय बाय कर दो बुआ जी को, बुआ जी जल्दी से आना, बुआ जी जल्दी से आना, बाय बाय। और देखिए दोस्तों आज मेरी छोटे वाली ननन जो है अपने ससुराल चली गई है और मैं अकेली काम करने वाली रह गई हूँ। नहीं तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी मेरी, और हम हंसते खेलते ही पूरा दिन काम में लगे रहते थे, कुछ देर रेस्ट कर लिया, कुछ देर हंसी मजाक कर लेते थे, ऐसे ही सारा दिन हमारा निकल जाता था, पता भी नहीं चला ये 15 दिन कैसे निकल गए। और देखिए आज मैं अकेली पड़ गई हूँ और मतलब बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। खाना मैंने तभी बना दिया था जब वो लोग निकले थे, क्योंकि 10:30 का टाइम हो चुका था, खाना वाना खिलाकर भेजा है उन्हें और हमने अपने लिए भी बना लिया था, तो खाने वाने का सारा काम निपट चुका है और बस घरों में झाड़ू लगाई है और किचन साफ़ किया है। अभी मैंने साफ़ सफाई कर दिया बर्तन वर्तन करने के बाद में, अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, बस मैं सोच रही थोड़ा रेस्ट करूँ क्योंकि आज मेरा मन बहुत उदास है। हमारे दोनों शरारती बच्चे जो हैं अपने घर चले गए हैं, अब पता नहीं कितने दिन में आएंगे मामा के यहाँ पर, और उनकी जिद, उनका ये बातें करने का ढंग और बात बात में ये पूछना आप क्या बना रहे हो। सार्थक जब भी मैं किचन में कुछ भी करती रहती थी तो बोलता था मामी आप क्या बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो, मतलब उनका इतना लगाव है अपने मामाओं के प्रति बहुत ज़्यादा। और देखिए मेरी ननंद बड़े वाली आएगी नवरात्रों में, वे भी श्राद्ध की वजह से अभी नहीं आ रही है। और हम लोग सोचते हैं कि किसी का कोई भी काम का नुकसान नहीं होना चाहिए, जब उनकी इच्छा है, हम लोगों ने फ़ोन कर दिया था उन्हें। और मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा हुआ, सब लोग थे, सब बहुत खुश थे, खूब इंजॉय किया सबने, खाना पीना खाकर सब लोग गए। और जो कपड़े यार उसने पहन रखे थे अपने बर्थडे पर, शाम के टाइम केक काटा था वो दीदी ने दिलवाए थे, उसे बहुत अच्छे कपड़े लग रहे थे उसके, तो थैंक यू दीदी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, आपके सामने तो नहीं बोलूँगी लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और आज मेरा घर थोड़ा सा खाली खाली से लग रहा है, होता है ऐसा महसूस होता है। और हाँ हमारा सार्थक बोल रहा था कि हम छोटी बहन को लेकर जाएंगे और जिद भी कर रहा था, आप सबने देखा ही है बार बार उठाकर चलो मम्मी छोटी बहन को ले लो ना, छोटी बब्बो को ले लो ना ऐसे करके। और ये भी कह रहा था मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़रूर लेकर जाऊँगा, मैं सच में लेकर जाऊँगा, मुझे बोला था, बोल रहा बार बार मामी जी आप तो मजाक सोच रहे होंगे लेकिन मैं इसे लेकर जरूर जाऊँगा, बेटा ऐसे कैसे दे दे हम तो सो भी नहीं पाएंगे इसके बिना। और भाभी भी अभी बच्चों के साथ दूसरे कमरे में है, मैं इधर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आई थी, सोचा आप लोगों से भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।